एक दो जख्म नहीं, पूरा बदन है जख्मी। सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, एक दो जख्म नहीं, पूरा बदन है जख्मी। दर्द बेचारा परेशान है, उठे कहां से? दर्द बेचारा परेशान है, उठे कहां से? अभी हमारे पहले पूर्व वक्ता प्रकांड विद्वान पंडित अजय गौतम जी ने अपने विचार को रखा। उसने एक पीड़ा की कि गौ हत्या हो रही है, सरकारें कुछ नहीं कर रही, हिंदुओं का अपमान करना एक फैशन हो गया है। हमारे संत महासभा के वरिष्ठ संत पंजाब से आए हुए लुधियाना से पूज्य दाता राम जी महाराज ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए अपने बात को रखी कि एक आयोग का गठन हो। ये आयोग की मांग हम लोग का संत समाज काफी समय से करता है। आपको बताना चाहते हैं, काफी समय से संतों पे अन्याय और अत्याचार हो रहा है। देखो अभी जो मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए, एक नियम है, कोरम है कि किसी भी सभा का अध्यक्ष जो है, जो अध्यक्षता करता है, वो सबसे अंत में बोलता है। लेकिन मैंने खुद बोल करके इसको नियम को तोड़वाया कि नहीं। अभी हमारे बीच में पूज्य पताल बाबा जी बैठे हैं। देखो संतों के हाथ में आकाश, पताल, धरती सब कुछ है। पताल बाबा बैठे, उन्होंने कहा ठीक है बोलिए, वैसे नियम तो नहीं है लेकिन बोलिए। उसका कारण क्या है कि हम क्लियर हो सके। अध्यक्ष तो सब कुल मिलाकर के मूल बताता है सबके वक्ताओं को, लेकिन यहां पे हम चाहते हैं कि सिर्फ हम विषय पे चले। जैसे राकेट एक छोड़ा जाता है तो सीधे गतिमान होते 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 मंजिल पे पहुंच जाता है। उस तरह संत समाज से जिस प्रकार से वार्तालाप हुई, बैठक हुई, हम देख रहे हैं पूरे देश दुनिया में जो पीड़ा हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी की है, जो पीड़ा हमारे स्वामी कल्याण देव जी की महाराज की है, जो पीड़ा हमारे रामा भाई जी की है, जो पीड़ा हमारी बहन नीलम दुबे जी के अंदर है, जो पीड़ा हमारे संत घनश्यामानंद जी के हृदय में है, जो अजय भाई पटेल के हृदय में है, जो हमारे सभी संतों के हृदय में है, उस पीड़ा के समाधान के लिए अगर कुछ है, उसकी समाधान का मूल निकालना जरूरी है। हमारे संचालन कर रहे घनश्यामानंद जी ने बहुत अच्छी बात की। संत किसे कहते हैं? संत कौन है ये बताओ। जो संत मैं बन गया और चार लोगों को बुलाया और चारों लोगों को बुला करके मैं सुल्फा पिलाने लगा, क्या वो संत होगा क्या? तो जितने आप देख लो ड्रगिस्ट पकड़े जाते हैं, जो नशेड़ी होते हैं, हीरोइनसी और क्या क्या जो बोलते हैं, तो उन्हीं को मान लो संत और बाबा हजोगे। मने कमाल की बात है कि पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग, पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग, नैतिकता समझा रहे सभी अनैतिक लोग। जितने अनैतिक लोग हैं नैतिकता समझा रहे हैं।